Good morning. Please be seated. Shukriya Tashrif. I'm so happy to be here. मैं आज की सुबह यहाँ पर आकर बड़ा खुश हूँ. Repeat और इको काम करते बात कर. God bless you all. खुदा आप सबको बरकत दे. God loves you and wants to bless you. खुदा आपसे प्यार करता है और आपको बरकत देता है. God wants to give you strength. खुदा आपको कुवत और ताकत देना चाहता है. So that you can be a good witness. ताकि आप अपने आप में अच्छा महसूस कर सकें. Do you want to be a good witness? A good witness to the world. क्या आप खुदा आप दुनिया के लिए अच्छे गवाह बनना चाहते हैं? Hallelujah. Hallelujah. In Acts chapter 1 verse 8. इमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी आठवीं आयत में लिखा है. Jesus said, "The Holy Spirit will come upon you, and you receive power to be my witness from Jerusalem, Samaria to the end of the world." यीशु मसीह ने कहा कि जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुवत पाओगे और यरूशलेम से शुरू करके सामरिया और यहूदिया और दुनिया की इंतहा तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे. When we receive the Holy Spirit, we can have great power from God. जब हम रूह कुदस को हासिल करते हैं, तो खुदा की तरफ से हमारे अंदर एक बड़ी कुवत आ जाती है. To let people know that Jesus is living God. और ताकि लोग जानें कि यीशु जिंदा खुदा है. Yahweh is living God. हमारा खुदा जो है, वो जिंदा खुदा है. When we have a close relationship with Him, और हम उसके साथ एक बहुमी ताल्लुक और रिश्ता कायम कर लेते हैं, then we will pray for the people and people will be healed. और फिर हम लोगों के लिए दुआ करते हैं और लोग शिफा पा जाते हैं. Heal the physical sickness and mental sickness. और उनकी जो जिस्मानी बीमारी है या रूहानी बीमारी है, वो उससे शिफा पा जाते हैं. And demons driven out. और जो बदरुहे हैं वो निकल जाते हैं. यार समझ नहीं आ रही है वो क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा. We have the power first from the Word of God and then also from the Holy Spirit. और सबसे पहले हमारे पास जो कुवत और ताकत है वो खुदा के कलाम से हमें मिलती है और उसके बाद फिर पात्रों से हमें कुवत और ताकत मिलती है. The two of them stand side by side together. We have the Word and also have the Holy Spirit. और ये दोनों चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं, खुदा का कलाम और खुदा का पात्रू. But many Christians feel very weak. लेकिन बहुत सारे मसीही अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं. They feel they have no strength. वो महसूस करते हैं कि उनके पास कोई ताकत नहीं है. They face difficulties in life and they have no strength to overcome the difficulties. और वो कमजोरी को महसूस करते हैं और ये समझते हैं कि हम कभी भी इस कमजोरी पर बीमारी पर गालिब नहीं आ सकते. And they are overwhelmed by sin. और गुनाह जो है वो उन पर हुक्मरानी करता है. And when they have difficulties, many people worry. और जब वो मुश्किलात में होते हैं तो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं. Because we haven't got the power from the Word of God and from the Holy Spirit. लेकिन हमारे पास एक कुवत और ताकत है खुदा के कलाम की और खुदा के रूह की. And today I will talk about how to have the infilling of the Holy Spirit. आज की सुबह हम ये सीखेंगे कि हम खुदा के रूह से कैसे मामूर हो सकते हैं. First, I'd like to share in 1998. सबसे पहले मैं आपके साथ एक गवाही शेयर करूंगा 1998 की. It was 15 years after I became a pastor. मेरे पास्टर बनने के 15 साल बाद. Because when I became a pastor, I was in a traditional church. I was not filled with the Holy Spirit. क्योंकि जब मैं पादरी साहब बना, तो मैं एक रस्मी चर्च, रस्मी कलीसिया का पादरी बना, जो रस्मी तौर पर खुदावंत की इबादत करते थे. And in 1998, an evangelist laid hands on me. लेकिन 1998 में एक मुबश्शिर अंजील ने मुझ पर हाथ रखा. And I felt power like electricity enter me. और मैंने महसूस किया कि खुदा की कुवत एक बिजली की तरह मेरे अंदर दाखिल हुई. And I felt great love enter me. और मैंने महसूस किया कि अजीम मोहब्बत मेरे अंदर दाखिल हुई है. I was really touched and comforted. और मैंने मुझे छुआ गया और मैंने इत्मीनान को महसूस किया. And I cried for a long time. और मैं बहुत देर तक मैं रोता रहा.
I said, I never knew I can experience God like that. और मैंने ये कहा कि मैं नहीं जानता था कि मैं खुदा की मोहब्बत का इस तरह से तजरबा करूँगा. And starting that night, I spent a long time praying. और उसके बाद मैंने ज़्यादा देर दुआ में गुजारना शुरू कर दी. One day, I cried to Jesus, Lord Jesus. और एक दिन मैं खुदा के सामने मैंने दुआ की, ऐ खुदा यीशु. And I felt power enter me like electricity. और मैंने उस कुवत को बिजली की तरह अपने अंदर आते देखा. And I said, this is great. I can immediately experience a response from God. और मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा है कि मैं फौरन खुदा से इस तजुर्बे को हासिल कर सकता हूँ. And I cried again, Lord Jesus. और मैंने फिर से ये कहा, खुदा यीशु. And again experienced the power of God. और फिर से मैंने उसी कुवत को महसूस किया. And later, I experienced the joy of the Lord. और फिर मैंने खुदा की शक्तिमानी को अपने अंदर महसूस किया. Up to today. और उसके बाद से आज तक. Every time I think of Jesus. जब कभी भी मैं यीशु की बाबत सोचता हूँ. The joy of the Lord will flow through me. और खुदा की शक्तिमानी मेरे अंदर से बहना शुरू हो जाती है. If I let myself go. और जहाँ कहीं पर भी मैं जाता हूँ. I can be filled with the holy laughter all the time. और मैं हमेशा जो पात्रों में शादमानी और खुशी को महसूस करता हूँ. And I pray for many people. और मैंने बहुत सारे लोगों के लिए दुआ की. Many people experience the joy of the Lord also. और बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा की शादमानी को महसूस करते हैं. Sometimes a whole group of people they will feel the holy laughter. और बहुत मर्तबा जो लोग होते हैं, जितने भी लोग वहाँ पर बैठे होते हैं, वो हंसना शुरू कर देते हैं, जोर जोर से कह के लगाना शुरू कर देते हैं. So anytime I think of Jesus, जब कभी भी मैं यीशु की बात सोचता हूँ, मैं इस तरह से कह के लगाना शुरू कर देता हूँ. And the joy will keep coming. And the joy will keep coming. और जो शादमानी है वो मेरे अंदर आना शुरू हो जाती है. A few days after I experienced the Holy Spirit, रुकुदस पाने के कुछ दिन के बाद, I prayed for people and people experienced power entering them. मैंने लोगों के लिए दुआ की और लोगों ने भी वही तजरबा हासिल किया. They experienced comfort or love of God. उन्होंने इत्मीनान और खुदा की मोहब्बत को महसूस किया. They experienced repentance of their sins. और अपने गुनाहों से तौबा के लिए उन्होंने तजरबा किया. And I said, this is really great. और मैंने ये कहा कि ये वाकई बड़ी बहुत बड़ी बात है. And I went to different places and led meetings, and I found that many people in the meetings experienced miracles. और फिर मैं मुख्तलिफ जगह पर गया और मैंने इस बात को महसूस किया कि खुदा का रूह मेरी रहनुमाई करता है कि बहुत सारे लोग जो है वो बरकत पाए. And I saw how I and you can be greatly used by God. और मैंने इस बात का तजुर्बा किया कि मैं और आप कैसे खुदा के रूह से इस्तेमाल हो सकते हैं. If we all spend more time praying, और अगर हम सब मिलकर ज्यादा वक्त दुआ में गुजारें, and dedicate our life to God, और खुदा के लिए अपनी जिंदगी को मखसूस कर दें, and take care of our sins and emotions, और अपने जो जो एहसास हैं उनकी हम फिक्र करें, always believe in the love of God, और ये सब चीजें जो है ये खुदा से ताल्लुक रखती हैं, and then you too can carry the power of God, और फिर आप भी उसी कुवत को हासिल कर सकते हैं, and you can influence the people around you, और आप उन लोगों के लिए की मदद कर सकते हैं जो आपके इर्द-गिर्द रहते हैं. In this last few days, we pray for people, और इस चंद पिछले दिनों में हमने लोगों के लिए दुआ की. And many people experienced miracles. और बहुत सारे लोगों ने मोचे को हासिल किया. The reason why I want to demonstrate that is to let you know He is very real. God is very real. और जो इसमें बड़ी बात है वो यही है कि हमारा खुदा हकीकी खुदा है. Hallelujah. Do you want to carry the power of God to bless people? क्या आप ये चाहते हैं कि आप भी इस कुवत को हासिल करें कि आप लोगों को बरकत दें? You know, there are two ways to live our Christian life. और दो तरीके हैं कि हम मसीही जिंदगी गुजार सकते हैं. Some Christians are always sad, unhappy, and weak. बहुत मर्तबा बहुत सारे जो मसीही हैं वो उदास होते हैं, परेशान होते हैं, अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं. Some Christians would even say, I wish Jesus would come back soon, so I don't have to work. और कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश है यीशु मसीह जल्दी आ जाए, इसलिए मुझे काम ही न करना पड़े. But another way of living is full of the joy of the Lord. लेकिन हकीकत में हमें खुदावंत की शादमानी से मामूर होना है. And be able to bless people all the time. और हर वक्त लोगों को बरकत की दुआ देनी है, उनके लिए
चाहनी है एंड एट द सेम टाइम यू फील विद द जॉय एंड द लव ऑफ गॉड और जैसे ही उसी वक्त जब आप खुदावंत की शादवानी को महसूस करते हैं एंड आल्सो गॉड विल ब्लेस योर लाइफ ग्रेटली और जैसे आप लोगों के लिए बरकत चाहते हैं खुदा आपकी जिंदगी को भी बरकत देगा यू नो आई एम 65 इयर्स ओल्ड आप जानते हैं कि ये 65 साल के हैं यहां पे मैंने यही कहा कि मैं 65 साल का I don't need eyeglasses to see small letters. और मैं glasses को n को इस्तेमाल नहीं करता छोटे अल्फाजों को देखने के लिए. I can see things far away and close to me. मैं दूर भी देख सकता हूँ और नजदीक भी देख सकता हूँ. I'm surprised by some of the 50-year-old men in this country. इस मुल्क में मैंने 50 साल के उम्र के लोगों को भी देखा है. They age very fast because of burdens. जिंदगी यहाँ पर जल्दी से गुजर जाती है मुश्किलात की वजह से बोझ की वजह से. I know life is difficult for some of you. और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर आप में से बहुत सारे की जिंदगी जो है वो मुश्किलात का शिकार है. But if you have the joy of the Lord, the freedom of the Lord. लेकिन अगर आपके पास खुदा की शादमानी है और खुदा उनकी आजादी है. You will stay younger and stronger for a longer time. तो फिर आप अरसा तक अरसा दराज तक आप जवान रहेंगे और मजबूत रहेंगे Now before I continue teaching, I want to invite one man and one woman who hunger for the infilling of the Holy Spirit. You really want to be filled with the Holy Spirit. इससे पहले कि मैं आगे आपको सिखाऊं, मैं एक बहन और एक भाई को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा कि वो लोग ऐसी बहन और ऐसा भाई जो खुदावंद का मुतलाशी हो जो खुदावंद की भूख और प्यास रखता हो उनको मैं सामने बुलाऊंगा ताकि मैं उनके लिए दुआ कर सकूं Now many people came for praying. It's just on my healing, my ache, my pain somewhere. बहुत मर्तबा लोग जो हैं वो आते हैं जी मैं बीमार हूँ मेरे यहाँ पर दर्द हो रही है मेरे यहाँ पर दर्द हो रही है मेरे लिए दुआ करें मैं शिफा पाना चाहता हूँ I look for people who want to be filled with the Holy Spirit, filled with the power of God to bless people. और मैं ऐसे लोगों की तलाश में रहता हूँ जो खुदा के रूह को हासिल करना चाहते हैं, जो बरकत लेना चाहते हों। I don't just want people to say, I have many needs. Please help me with my needs. और ऐसे लोग भी होते हैं जो ये कहते हों, मेरी बहुत सारी ज़रूरतें हैं. Please मेरे लिए दुआ करें, मेरी ये ज़रूरत पूरी हो जाए. When you look to the Lord, you have strength, and you look to the needs of the people, you'll be able to bless them. और जब आप खुदावंद के मुतलाशी होते हैं, तो फिर आप लोगों पर जब निगाह करते हैं, तो उनकी ज़रूरतों को आप पूरा कर पाते हैं। And He will bless you with your needs will be met in the Lord. और वो आपको बरकत देगा ताकि आप लोगों को बरकत दे सकें। Okay, I invite one woman and one man. एक भाई और एक बहन जरा सामने आ जाएं। Hallelujah. Hallelujah. And the other people, I have the time to pray for you to come back. उसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा, लेकिन ये ऊपर आ जाएं. Hunger for God, hunger. जो खुदा की भूख और प्यास रखते हो. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah.
experienced just now. अभी आपने क्या experience किया है तजरबा? मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था जब मैं कुछ दुआ रही थी. I had a burden. I was feeling burden before the prayer, but now I'm set free. अब मैं पूरी तरह से परेशान हूँ. अल्लाह के नाम से चलाओ. How would you want to respond to God? आप खुदावंद की शुक्रगुजारी कैसे करेंगे? खुदावंद के लिए क्या करेंगे आप? मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि मैं पुलिस की वजह से परेशान था. आई थैंक गॉड दैट आई वाज वरीड अबाउट इट. मैं दुआ करूंगा और मैं यीशु मसीह को शुक्र है दैट जीसस हैज सेट मी फ्री. आई वुड वांट टू डू समथिंग फॉर गॉड. क्या आप खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं? जी मैं खुदा के लिए करना चाहता हूं. अगर मुझे खुदा का रूह बरकत देगा तो मैं लोग दूसरे लोगों के लिए बरकत चाहूंगा. The spirit of Lord will bless me. I will bless the people. Yes. When you are open to God, He will bless you. Thank you. God bless you and help you. Continue. How about you? मेरे खुदावन ने यीशु मसीह ने मेरे बारिश की तरह मुझे पर रूह बरसाया है. मैं खुदावन को शुक्र. I feel मेरे जिंदा the rain of spirit. The rain. मेरा I feel the rain. मैं खुशी से भर गई हूँ. ये मेरे खुदावन यीशु मसीह ने मुझे छुआ है. अभी अभी छुआ है. यहाँ पर कुछ भी नहीं. मेरे पैर सही हो सब सोच ले. अब डरते हुए खौफ खाते हुए चर्च में आए. यीशु यहाँ मौजूद है. Respond to God. I will be prayer. Nothing else. Hallelujah. Hallelujah. So what I want to say is God is very real right here. Sorry. I want to say is God is very real right here. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा हकीकत में यहाँ पर मौजूद है. He wants to use every one of you like that. आप में से हर एक को वो इस्तेमाल करना चाहता है. And today I will talk about how you can be filled with the Holy Spirit. आज की सुबह आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम कैसे रूह कुदस से मामूर हो सकते हैं. It is not something very difficult. और ये कोई मुश्किल काम नहीं है. Because the Holy Spirit is a free gift from God. क्योंकि रूह कुदस जो है खुदा की तरफ से एक इनाम है. He wants to give this free gift to all of you. और हम में से हर एक को ये इनाम को मुफ्त में देना चाहता है. Some people think I can live my life my own way. और कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारना चाहता हूँ. You know, God has a wonderful plan for your life. लेकिन खुदा के पास आपकी जिंदगी के लिए बेहतरीन मंसूबा है. God is almighty and loving. खुदा कादर-ए-मुतलक खुदा है और मोहब्बत करने वाला खुदा है. When you follow his plan, it's the best plan. जब आप उसके मंसूबे की पैरवी करते हैं तो ये बेहतरीन मंसूबा है आपकी जिंदगी के लिए. So I hope you say, I want to follow God's plan, not my plan. और हमें ये कहने की जरूरत है कि मैं खुदा के मंसूबे की पैरवी करूंगा ना कि अपने मंसूबे की. And your life will be greatly used by God. और फिर आपकी जिंदगी को खुदा इस्तेमाल करेगा. And you'll be blessed by God in every area of your life. और आप अपनी जिंदगी के हर एक हिस्से में खुदा से बरकत पाएंगे. I thank God that everything I do, I see the blessings of God. और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जो कुछ भी मैं करता हूँ उसमें मैं खुदा की बरकत को महसूस करता हूँ. Including my wife, that God gave me the best wife. खुदा ने मुझे अच्छी बीवी दी है. मेरी जिंदगी में मुझे अच्छी बीवी दी है. And God gave me everything I need. और जो जिस चीज की भी मुझे जरूरत है खुदा ने मुझे मुहैया किया. So I go to different places to bless people. और मैं मुख्तलिफ जगह पर जा सकता हूँ ताकि लोगों को बरकत दूँ. So here now I talk about how we can be filled with the Holy Spirit. और आज के
इस हम ये सीखेंगे कि हम रूह कुदस से कैसे मामूर हो सकते हैं एंड नंबर 1 नंबर 1 इज रिपेंट ऑफ ऑल द सिंस एंड टर्न अवे फ्रॉम द सिंस और नंबर 1 ये है कि हमें तौबा करने की जरूरत है अपने गुनाहों से बाज आ जाएं मुड़ जाएं Many people think, well, I can go to church and then at home I can yell at my wife or husband or children. और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मुझे चर्च जाने की क्या जरूरत है? मैं घर पर ही ठीक हूँ, अपने बीवी बच्चों पर, अपने शौहर पर चीखता रहूँ या चीखती रहूँ, इनको ही छिड़कता रहूँ। Or I can abuse some people and like stepping on them. और बहुत या मैं किसी जगह पर रहकर लोगों को दबाता रहूँ, उनको लांतन करता रहूँ। What does Jesus say? How we should treat people? यीशु मसीह ने क्या कहा कि लोगों के साथ कैसा सलूक रखो? Did Jesus say we'll torture people, we'll beat up people? Did Jesus say? क्या यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम एक दूसरे को मारो, पीटो, लड़ाई झगड़ा करो? Jesus said love your neighbors as yourself. यीशु मसीह ने कहा अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखो. So we repent if we have hurt people's feelings. अगर हमने लोगों की feelings को hurt किया है, उनका दिल तोड़ा है या दिल आजारी की है or if we have used our wife or our daughter-in-law like they are slaves we want to repent और या अगर हमने बीवी के साथ या अपनी बहू के साथ ऐसा सलूक किया है कि जैसे वो गुलाम होती हैं or when we let anger control ourselves get angry easily या हम जल्दी से गुस्से में आ जाते हैं we want to ask God to forgive us तो हमें जरूरत है कि हम खुदा से कहें कि हमें मुआफ़ और इस गुनाह से बाज आ जाएं। You know, very often Christians think I'm already very good. I go to church, I serve God. और बहुत सारे लोग ये कहते हैं मैं तो पहले से ठीक हूँ, मैं तो खुदा की खिदमत कर रहा हूँ, मैं तो खुदा के घर में जाता हूँ। But at the same time they sin and they hurt other people or they steal money. उसी दौरान वो गुनाह भी करते हैं, वो रुपए पैसा चुराते हैं, लोगों की दिल आजारी करते हैं। You'll be like this. They build on the foundation of Jesus Christ, but then when they build, they also tear it down. और जैसे ही वो मसीह यीशु के साथ अपनी इमारत को तामीर करते हैं, इसी के साथ साथ वो अपने किरदार में गिरते जाते हैं। I know you are building this church now. और मैं ये जानता हूँ कि ये जो चर्च है, इसी को भी आपने तामीर किया है। You won't spend one day building up a wall and the next day you tear it down. और अगर ऐसा हो कि एक दिन आप दीवार बना दें और अगले दिन दीवार को गिरा दें। If we live in sin, then one day we build and the next day we tear it down. और अगर हम उसके अंदर रह रहे हैं, तो एक दिन हम इसको अंदर रह रहे हैं, इसको हमने तामीर किया है, और अगले दिन हम इसको गिरा दें। And Jesus said, "You are serving me in vain. In vain. In, you know, it's empty. It's no." और यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम मेरी खाली खिदमत कर रहे हो। Also, for instance, when you offer money to God. और कभी-कभार हम खुदावंत को रुपए पैसा भी देते हैं, चंदा देते हैं। If you offer with thanksgiving and love and joy. अगर आप शुक्रगुजारी के साथ हदिया नजराना देते हैं, शादमानी के साथ हदिया नजराना देते हैं। God is pleased with it. तो फिर खुदा खुश होगा। But when we offer money to God and then we say, oh, I don't like to offer, but I have to offer. और या अगर हम इस तरह से खुदावंत को हदिया दें, ओ मैंने हदिया तो दे दिया है, लेकिन मैं नहीं देना चाहता था, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैंने हदिया दे दिया है। People can be offering the same amount of money, but God is happy with one, but He does not like the other one who offers with a sad heart. खुदा लोगों को बरकत देता है जो हदिया और नजराना खुदावंत के हुजूर में गुजरानते हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो शादमानी से खुदावंत के लिए करते हैं, खुदा उनको बरकत देता है, लेकिन जो दुख के साथ या मजबूरी के साथ ये करते हैं, खुदा उनको बरकत नहीं देता। After I experienced the Holy Spirit, I saw how God can use me or anyone who wants to be used by God. और रूह कुदस का तजुर्बा हासिल करने के बाद मैंने इस बात को महसूस किया कि खुदा कैसे मुझे इस्तेमाल करता है, जैसे कि वो दूसरों को इस्तेमाल किया करता है। I led many meetings and many people were healed, many people were set free. बहुत सारे लोगों की मैंने खिदमत की, उनके लिए दुआ की, वो अपनी बीमारी से आजाद हो गए, वो कमजोरी से शिफा पा गए। And God reminds me, if I serve God and at the same time have pride. और मैं खुदावंद ने मुझे ये सिखाया कि जिस वक्त मैं दुआ कर रहा हूँ, शिफा का काम कर रहा हूँ, और अगर उसी लम्हे मेरे जहन के अंदर गुरूर और घमंड आ जाएगा,
and think that I have a lot of power myself, और मैं ये सोचूं कि मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा कुवत है, then I'm building up on the foundation of Christ, but at the same time I'm tearing it down. और ये वो लम्हा है कि जब मैं खुदावंद में मजबूत एक इमारत को तामीर कर रहा हूँ, लेकिन उसी इमारत को मैं खुद ही गिरा भी रहा हूँ. I'll be wasting my effort. और मैं अपनी कोशिश को खत्म कर दूंगा, उसको जाया कर दूंगा. For instance, the people here worship, you know, lead the worship here. God is pleased with that. और मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो क्वायर है, वो प्रस्तुत कर रही है, वो दिल से प्रस्तुत कर रही है. खुदा खुश होगा उनसे. But if they go home and watch pornography, then God is not pleased with the offering. लेकिन यहाँ पर तो वो खिदमत कर रहे हैं, लेकिन अपने घर जाकर वो इसका जो तर्जुमा है वो थोड़ा अजीब सा है, लेकिन मैं अगर वो गंदी फिल्में देखते हैं तो खुदा उनकी इस प्रस्तुति को कभी भी कबूल नहीं करेगा. So we have to understand that. हमें इस बात को जानने की जरूरत है. In Galatians chapter 6 verse 8. और गलतियों का खत उसका छठा बाब उसकी आठवीं आयत में लिखा है. Whoever sows to please the flesh, from the flesh will reap destruction. जो जिस्म के लिए बोता है, वो जिस्म के लिए काटेगा. So when we follow our flesh, follow our sinful nature, the result is destruction. और अगर हम जिस्मानी कामों की पैरवी करते हैं, जिस्मानी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं, तो फिर हम अपने आप को तबाह कर देंगे. For instance, you know, if we serve God or do different things, at the same time we follow our sins, then we will reap destruction. और अगर हम खुदा की इबादत और प्रस्तुति भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम जिस्मानी काम भी कर रहे हैं, तो हम उसी इमारत को गिरा देते हैं. This is the picture of me and my wife. ये तस्वीर इनकी और इनकी बीवी की है. Now, if I serve God and at the same time I hurt her feelings. अगर मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ और उसी दौरान मैं अपनी बीवी को नाराज कर रहा हूँ and make her unhappy, और उसको नाखुश कर रहा हूँ, I'm tearing down my own family, my own life. मैं अपनी जिंदगी को तबाह कर रहा हूँ. Many people did not realize that when we hurt our family members, we are hurting ourselves. और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते कि जब हम अपने family member को दुख दे रहे हैं, तो हकीकत में हम अपने आप को दुख दे रहे हैं. And we'll bring destruction in our family and in our life. और हम अपनी जिंदगी में और अपने खानदान में उस इमारत को गिरा रहे हैं. If I treat my wife in a bad way, अगर मैं पूरे तरीके से अपनी बीवी के साथ सलूक करूं, then she will not be supportive for my ministry. फिर वो कभी भी मेरी खिदमत में मेरी मददगार नहीं होगी. I really treasure everything God has given me, including my wife. जो कुछ भी खुदा ने मुझे दिया है, ये एक अच्छा खजाना है, और उसमें इनकी बीवी भी शामिल है. That way I'm building up on everything, my family, my ministry, my own life. और फिर इसके साथ, इन बरकतों के साथ, मैं अपनी जिंदगी को, अपनी खिदमत को, अपने खानदान को मैं बिल्ड अप कर रहा हूँ, मैं उसको तामीर कर रहा हूँ. Are you building on your life? क्या आप अपनी जिंदगी को तामीर कर रहे हैं? Or are you destroying your life? या आप अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं? If you get angry easily, you are destroying your life. अगर आप जल्दी से नाराज हो जाते हैं, तो फिर आप अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं. It's like this. You're killing yourself. You are destroying your own life. हर रोज आप अपने आप को कत्ल करते हैं और आप अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं. Do you want to destroy your life? क्या आप अपनी जिंदगी को तबाह करना चाहते हैं? Or do you want your life to be built up by God? या आप ये चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी को तामीर करे? So do not please the flesh. और अपनी जिस्मा अपने जिस्म को अपनी रहनुमाई ना करने दें. But please God. खुदा को खुश करें. In John chapter 5 verse 14. यूहन्ना की इंजील और उसका पांचवा बाब उसकी चौदहवीं आयत. There was a man sick for 38 years. यहाँ पर एक इंसान है, एक आदमी है जो 38 वर्ष से बीमार है. And he was healed. और उसको शिफा मिली. And Jesus said to him. और यीशु ने उससे कहा, See, you're well again. Stop sinning, or something worse may happen to you. और खुदा यीशु मसीह ने उसे कहा कि अब तू शिफा पा चुका है, आइंदा गुनाह ना करना. Now this man has been sick for 38 years. और ये जो इंसान है, ये शख्स जो है, 38 वर्ष से बीमार है. And Jesus said, if you sin, the worst thing will happen to you.
और यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू रोना करेगा तो यही बीमारी दोबारा तेरी जिंदगी में आ सकती है That means the rest of his life will be destroyed. इसका मतलब यह है कि इसके बाद वो अपनी पूरी जिंदगी वो तबाही का शिकार रहेगा या अपनी जिंदगी में इसी बीमारी का शिकार रहेगा Let me ask you, do you know some Christians they always get angry, the family is, you know, always fighting, and the whole life is unhappy? क्या आप ऐसे मसीहों को जानते हैं जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा नाराज रहते हैं और अपनी जिंदगी को तबाह करते रहते हैं? Have you seen people like that? क्या आपने ऐसे मसीहों को देखा है? Is their life good or is being destroyed? और जिंदगी देखने में तो अच्छी है, लेकिन तबाह हो चुकी है। You know, some people think getting angry means I'm powerful. That's a lie. कुछ लोग ये कहते हैं कि गुस्से में आ जाना इसका मतलब ये है कि मैं बड़ा ताकतवर हूँ। ये झूठ है। Getting angry is giving the devil a step hole in our life. और गुस्से में आ जाना ये अबलीस को मौका देना है कि वो हमारी जिंदगी में आए। That we are giving the devil a chance to come into our life. अबलीस को मौका देते हैं कि वो हमारी जिंदगी में आए। So when I ask God that will help us to repent of our sins and say, Lord, please help me not to sin anymore. ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदा से ये कहें कि खुदा मैं अपने गुनाहों की तौबा करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में आ और मुझे संभाल। Now sin could include sadness. और उसके बाद हमारी अफसुर्दगी। Some people say other people treat me badly, so I'm very sad every day. बहुत सारे लोग मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं, इसलिए मैं परेशान हूँ। That is also a sin. ये भी गुनाह है। But you say, well, it's very difficult. लेकिन आप ये कहेंगे कि ये बहुत मुश्किल है। You know, the key is to believe God is good. लेकिन इसमें जो कलीदी बात है, वो ये है कि खुदा पर ईमान रखें। Your life, God has a wonderful plan in your life. और आपकी ज़िंदगी के लिए खुदा के पास बेहतरीन मंसूबा है। And your life has a great purpose in God's kingdom. और खुदा की बादशाहत के लिए आपकी ज़िंदगी में एक खास मकसद है। I don't want to ruin my life by sinning. और मैं ये नहीं चाहता कि गुनाह मेरी ज़िंदगी में हुकुमरानी करे। So any moment when I have any sinful thoughts. और हर वो लम्हा जब गुनाह आलूदा ख्यालात मेरी ज़िंदगी में आते हैं। Immediately I know it's destructive. और उसी वक्त फौरन मैं महसूस करता हूँ कि तबाही आने को है। It will destroy my life. वो मेरी ज़िंदगी को तबाह कर देगी। For instance, if we look at a woman and have lust, it will destroy my life. और अगर हम किसी औरत को हवस की नजर से देखते हैं, तो इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। Many men, you know, they might serve God, but when they see a beautiful woman, they will have secret lust for the woman. और बहुत सारे इंसानों की, आदमियों की ये फितरत होती है कि जब वो किसी औरत को देखते हैं तो उनकी हवस जो है वो बढ़ जाती है। Now you imagine, I just use this to let you think. If you hear Pastor Yip one day commit adultery and then I cannot serve God anymore, would you feel very bad about that? और अगर आप खिदमत कर रहे हैं और आप जनाकारी को भी पसंद करते हैं तो क्या आप इससे खुश होंगे? आप इससे अच्छा महसूस करेंगे? I would treasure my life. मुझे अपनी जिंदगी के खजाने की हिफाजत करनी है। Because my life is very precious. क्योंकि मेरी जिंदगी बड़ी खास है। Anytime if any lust come into my mind, कभी भी अगर मेरी जिंदगी में हवस आ जाती है, immediately I say this will destroy my life. और मुझे ये कहने की जरूरत है कि ये मेरी जिंदगी को तबाह कर देगी। And I will pray to God. और खुदा से दुआ करने की जरूरत है। And I will turn away if a woman attracts my eyes, I'll turn away. और मुझे उस औरत से बाज आ जाना चाहिए, उससे मुड़ जाना चाहिए। Or on the internet, if there is any, you know, sexy pictures, I will turn away and, you know, go leave that page. इंटरनेट पर अगर मैं कोई ऐसा मटेरियल देख रहा हूँ जो कि गलत है, तो मुझे उससे बाज आ जाना चाहिए। Some people think, wow, it's okay. One time, no problem. Nobody sees it. और बहुत मरतबा हम ये सोचते हैं कि कुछ नहीं होता, मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं क्या कर रहा हूँ किसी को नहीं पता है। But let me tell you that God sees our heart. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा दिल को जानता है। God knows our heart. खुदा हमारे दिल को जानता है। God knows whether you love him totally or do you love lust. और खुदा इस बात को जानता है कि आप किस चीज को पसंद करते हैं।
So the key to overcoming sin is overcome the sin in your heart. और जो गुनाह पर गालिब आने का तरीका है वो एक ही है कि आप हमेशा उस पर गालिब आते रहे. Anytime you're aware of any sinful thought. जब भी आपको ये महसूस होता है कि कोई गुनाह की सोच जो है वो मेरे जहन में आ रही है. Whether it's anger or depression. ये गुस्सा हो सकता है या दबाव हो सकता है. Now this is a five step to victory. One is. और पांच नकाब हैं यहाँ पर पांच कदम हैं फतह याद होने के. One is aware of the sin. और पहला ये है कि गुनाह को गुनाह से खबरदार होना. And number two is destructive. और नंबर दो है तबाही. And number three, apply biblical principles. और नंबर तीन ये है कि बाइबल मुकद्दस के असूलों पर गौर करना. And number four, pray to God. नंबर चार खुदा से दुआ करना. And number five, choose to obey. और उसके बाद नंबर पांच ये है उसकी ताबेदारी करना. Very simple. First, aware. I know that I have the sinful thought. बड़ा आसान है इस बात से खबरदार होना कि मैं जानता हूँ कि ये गुनाह आलूदा ख्याल है. Let's say together. One is aware. क्या आप ये कह सकते हैं कि नंबर एक खबरदार होना, बुलंद आवाज़ से. नंबर एक खबरदार होना. Number two, destructive. नंबर दो तबाही. Number three, Bible. नंबर तीन बाइबल. Number four, pray. नंबर चार दुआ. Number five, obey. नंबर पांच ताबेदारी. Can you remember it? Number one, what is it? Number one, क्या है? Aware. 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 Number two. Destructive. Destructive. Say it. कहें तबाही. Number three. Number three. Bible. Bible. Number four. Number four. Pray. Number five. Number five. Okay. You know, let me tell you. Any time I have any kind of negative thoughts in my mind, immediately I take care of it. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी कोई मनफी सोच और ख्याल मेरे जहन में आता है मैं फौरन इस बात से खबरदार हो जाता हूँ कि ये ख्याल ये सोच मनफी है. If we continue to sin, the worst things will happen to us. और अगर हम इस बात में कायम रहेंगे तो ये चीजें हम पर गालिब आ जाएंगी. And everything we do for God is in vain. तो फिर जो कुछ भी हम खुदा के लिए करेंगे उसका कुछ फायदा नहीं है. It will be like wood and straw will be burnt away. और ये ऐसे ही है कि जैसे कोई चीज जो है वो भाग जाती है, खत्म हो जाती है. All your offering to God will be burnt away. और जितना भी आप हदीया नजराना खुदा के लिए देंगे, गुजराने के, उसका कुछ फायदा नहीं है. Do you want them to be burnt away? क्या आप ये चाहते हैं कि कोई जो परिंदा है जैसे वो उड़ जाता है, भाग जाता है, इस तरह से आपकी बरकतें भाग जाए? Do you want to treasure them and keep them in heaven? या क्या आप अपने उन तमाम कामों को एक खजाने की तरह रखना चाहते हैं आसमान पर जाने के लिए? So the first point is repent and turn away from sins. नंबर एक ये है कि तौबा करें और अपने गुनाहों से बाज आ जाएं. Some people repent every day, but they keep sinning. बहुत मर्तबा लोग जो हैं वो हर रोज तौबा करते हैं लेकिन गुनाह को भी जारी रखते हैं. But you believe your life is very precious. लेकिन आपको इस बात पर ईमान रखना चाहिए कि हमारी जिंदगी बड़ी कीमती है. Everyone say together, my life is very precious. हम सब बुलंद आवाज से ये कहें, मेरी जिंदगी कीमती है. If I sin, I will destroy my life. अगर मैं गुनाह करूंगा तो अपनी जिंदगी को तबाह करूंगा. I want to repent and turn away from the sins. मैं तौबा करना चाहता हूं और गुनाहों से मुड़ जाना चाहता हूं. And God will bless me. और खुदा मुझे बरकत देगा. And everything I do will be pleasing to God. और जो कुछ भी मैं करूंगा खुदा को खुश करने के लिए करूंगा. And God will also give you strong anointing of the Holy Spirit. खुदा आपको रूह कुदस से मजबूत करेगा और आपको बरकत देगा. Hallelujah. Do you want that? क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? Do you want to pray for people with power? क्या आप कुवत के साथ लोगों के लिए दुआ करना चाहते हैं? If you pray for people once a week,
In one year, you have changed 52 people's life. और अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक बंदे के लिए दुआ करें, एक हफ्ते में एक बंदे के लिए दुआ करें, तो एक साल में आप 52 लोगों को तब्दील कर देंगे. Do you want to do that? But if you sin, you hurt one people a week, you have hurt 50 people a year. तो इसके उल्टी कर लें आप कि अगर हफ्ते में एक बंदे का आप दिल तोड़ते हैं तो साल में 52 बंदों का आपने दिल तोड़ दिया. Let me ask you, have you blessed 52 people in the past or hurt 52 people in the past? आपने अपने गुजरे हुए साल में 52 लोगों को बरकत दी, उनको बचाया, या 52 लोगों का दिल तोड़ दिया? Okay, so I ask that God will lead you to repentance. मैं दुआ करूंगा कि खुदा आपके आपकी रहनुमाई करे कि आप तौबा करें. Even when someone is not nice to you, you still overcome wickedness with love. Then you be kind to the person. हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके साथ अच्छा सलूक ना करते हो, लेकिन आपने इस पर गालब आना है, उनकी शरारत पर गालब आना है. When people mistreat you, you trust in God and have the joy of the Lord. And जब लोग आपके साथ बुरा सलूक करते हैं, उस लम्हे भी आप खुदा पर ईमान रखें, खुदा पर भरोसा रखें. And then you have strength all the time. और फिर आपके पास कुवत होती हर वक्त. Hallelujah. Now, that was the first point: repent and turn away from sin. Number one, तौबा करना और अपने गुनाहों से बाज आ जाना. And then number two, read and apply the Bible. नंबर दो ये है कि बाइबल मुकद्दस को पढ़ें और उस पर ध्यान दें. The Bible is full of promises of God. बाइबल मुकद्दस खुदा के वादों से भरी हुई है. The Bible promises for sure God will forgive our sins. और बाइबल मुकद्दस में जो वादे हैं उनके सबब से हम अपने गुनाहों से तौबा कर सकते हैं. And the Bible tells us that God loves us very much. और बाइबल हमें ये सिखाते हैं कि खुदा हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है. And nothing can separate us. और कोई भी चीज हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती है. The Bible tells so many good things about God. बहुत बहुत अच्छी बातें बाइबल मुकद्दस हमें खुदा के मुतालिक सिखाती है. And tells many good things about ourselves. और हमारी बाबत भी अच्छी चीजें बताती है. Then we can become great people in God. ताकि हम लोगों के लिए दुआ कर सके, लोगों के लिए बरकत का बाइस बन सके. Then we can have the power of God. ताकि हम खुदा की कुवत और कुदरत को हासिल कर सके. So love the Bible and apply it to your life. और बाइबल मुकद्दस से प्यार करें और उसे अपनी जिंदगी में मौका देने को काम करें. And number three is faith in God's love. नंबर तीन, खुदा की मोहब्बत पर ईमान रखें. Zephaniah 3:17. सफनिया का सहीफा और उसका तीसरा बाब उसकी 17वीं आयत. The second part of it says, उसका दूसरा हिस्सा ये कहता है, He will take great delight in you. He will quiet you with his love. He will rejoice over you with singing. वो अपनी रोशनी से तुम्हें मनोवर करेगा और अपनी शादमानी तुम्हें बख्शेगा ताकि तुम शादमानी से उसकी प्रस्तुति कर सको, रागनी के गीत गा सको. Here the Bible tells us that he is very happy with us. बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि वो हमेशा हमसे खुश रहता है. He is happy to see you. वो आपसे मिलकर खुश होता है. And he is always loving us all the time. और वो हर वक्त हमसे प्यार करता रहता है. And he rejoices over us with singing. और वो जब हम प्रस्तुति करते हैं तो वो भी हमसे खुश होता है, हमसे शादमान होता है. Are there many people in this world when they see you they're very very happy and rejoice over you? और बहुत सारे लोगों को क्या कभी आपने देखा कि जब वो आपसे मिलते हैं या आप उनसे मिलते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं कि मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ हूं. And sing over you. और वो आप पर गीत गाते हैं. कैसा हुआ कभी? People say to you, I'm so happy to see you. क्या कभी किसी ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं तुझे मिलकर? Not too many people, right? But not too many people really rejoice over you with singing. बहुत ज़्यादा लोग आप पर खुश नहीं होंगे और ना ही आपके लिए गीत गाएंगे. But Almighty God, He rejoices over us with singing. लेकिन कादरे मुतले खुदा हमेशा आपसे मिलकर खुश होता है और आपके लिए गीत गाता है. You know, when you pray to Him and you worship Him wholeheartedly, God is very, very happy. और जब भी आप उसकी प्रस्तुति करते हैं या उससे मिलने के लिए आते हैं,
खुदा आपसे खुश होता है। So when you pray to Him, it's very important to have faith that He loves us. और जब आप दुआ करते हैं, तो इस बात पर ईमान रखें कि खुदा हमसे प्यार करता है। Now when some people pray to God, they say, Lord, please help me. I'm miserable. I have many problems. और बहुत सारे लोग जो हैं, वो जब दुआ करते हैं, तो वो ये कहते हैं, खुदा, मैं किसी काम का नहीं हूँ, तू मेरी मदद कर, मेरी बहुत सारी मुश्किलात हैं। They will say, "Oh, my family have problems. I have problems. Please help me." Oh, खुदा, मेरे खानदान की मुश्किलात हैं, मेरे कारोबार की मुश्किलात हैं, मेरी मदद कर दे। Why don't you come quickly? Oh, खुदा, तू जल्दी से ये काम क्यों नहीं करता है? This is prayer without faith. ये वो दुआ है जो ईमान के बगैर दुआ। When we pray, we should say like this. जब हम दुआ करते हैं, तो हमें इस तरह से कहना चाहिए। Lord, I know you know my needs before I pray to you. ऐ खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मेरी ज़रूरतों को मेरे मांगने से पहले जानता है। You have a plan to help me with my problems. और तू तेरे पास एक मंसूबा है कि तू मेरी मुश्किलात में मेरी मदद करे।